1568 में चित्तौड़गढ़ की विकट घेराबंदी ने मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में थे। मेवाड़ के माध्यम से बादशाह अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा थे, जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा राणा का ताज पहनाया गया तो बादशाह अकबर ने कई दूतों को भेजा जो महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया। जब महाराणा प्रताप ने बादशाह अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। 1568 में चित्तौड़गढ़ की विकट घेराबंदी ने मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में थे। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा था, जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा राणा का ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूतों को भेजा जो महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। 3-4 लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संतरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 से 10000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 50,000 लोगों को खो दिया, जिसमें 3,500 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे, वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, महाराणा प्रताप वन और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया। 3-4 पृष्ठभूमि संपादित करें। सिंहासन पर पहुंचने के बाद अकबर ने मेवाड़ के अपवाद के साथ राजस्थान में अग्रणी राज्य के रूप में स्वीकार किए जाने के साथ अधिकांश राजपूत राज्यों के साथ अपने रिश्ते को स्थिर कर लिया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो प्रतिष्ठित सिसोदिया वंश के प्रमुख भी थे, ने मुगल के सामने प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था। इसने 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की थी। उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान मेवाड़ के पूर्वी भाग में मुगलों के लिए उपजाऊ क्षेत्र के एक विशाल क्षेत्र के नुकसान के साथ समाप्त हुआ। जब राणा प्रताप ने अपने पिता को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया तो अकबर ने उनके लिए राजनयिक दूतावासों की एक श्रृंखला भेजी, जिसने राजपूत राजा को अपना जागीरदार बना दिया। इस लंबे समय के मुद्दे को हल करने की उनकी इच्छा के अलावा अकबर गुजरात के साथ संचार की सुरक्षित लाइनों को अपने नियंत्रण में मेवाड़ के जंगली और पहाड़ी इलाके चाहता था। 5 पहला दूत जलाल खान कुर्ची था, जो अकबर का एक पसंदीदा नौकर था, जो अपने मिशन में असफल था। इसके बाद अकबर ने कछवा वंश के साथी राजपूत अंबर बाद में जयपुर को भेजा, जिसकी किस्मत मुगलों के अधीन थी, लेकिन वह भी प्रताप को समझाने में नाकाम रहे। राजा भगवंत दास अकबर की तीसरी पसंद थे और उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर प्रदर्शन किया। राणा प्रताप को अकबर द्वारा प्रस्तुत एक रौप दान करने के लिए पर्याप्त रूप से भेजा गया था और अपने युवा बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार में भेजा था। हालांकि यह अकबर द्वारा असंतोषजनक माना जाता था, जो खुद चाहते थे कि राणा उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। एक अंतिम दूत टोडरमल को बिना किसी अनुकूल परिणाम के मेवाड़ भेज दिया गया। प्रयास विफल होने के साथ युद्ध तय था। 5 प्रस्तावना संपादित करें। राणा प्रताप, जो कुंभलगढ़ के रॉक किले में सुरक्षित थे, ने उदयपुर के पास गोगुंदा शहर में अपना आधार स्थापित किया। अकबर ने अपने कबीले के वंशानुगत विरोधी मेवाड़ के सिसोदिया के साथ युद्ध करने के लिए कछवा मान सिंह की प्रतिनियुक्ति की। मान सिंह ने मांडलगढ़ में अपना आधार स्थापित किया, जहां उन्होंने अपनी सेना जुटाई और गोगुंदा के लिए प्रस्थान किया। गोगुंदा के उत्तर में लगभग 14 मील 23 किलोमीटर की दूरी पर खमनौर गांव स्थित है, जिसकी चट्टानों के लिए हल्दी घाटी नामक अरावली पर्वतमाला के एक भाग से गोगुंदा को अलग किया गया था, जिसे कुचलने पर हल्दी पाउडर,
हल्दी जैसा दिखने वाला एक चमकदार पीला रंग का उत्पादन होता था। राणा, जिसे मान सिंह के आंदोलनों से अवगत कराया गया था, को मान सिंह और उसकी सेनाओं की प्रतीक्षा में हल्दी घाटी दर्रे के प्रवेश पर तैनात किया गया था। युद्ध 18 जून 1576 को सूर्योदय के 3 घंटे बाद शुरू हुआ। सेना की ताकत संपादित करें। मेवाड़ी परंपरा और कविताओं के अनुसार राणा की सेना की संख्या 20,000 थी, जिन्हें मानसिंह की 80,000 मजबूत सेना के खिलाफ खड़ा किया गया था। हालांकि जगन्नाथ सरकार इन संख्याओं के अनुपात से सहमत है, लेकिन उनका मानना है कि मानसिंह के युद्ध हाथी पर कूदते हुए राणा प्रताप के घोड़े चेतक की लोकप्रिय कहानी के रूप में अतिरंजित है। सतीश चंद्र का अनुमान है कि मानसिंह की सेना में 50,000 से 80,000 पुरुष शामिल थे, जिसमें मुगल और राजपूत दोनों शामिल थे। 5. दोनों पक्षों के पास युद्ध के हाथी थे, लेकिन राजपूतों के पास कोई गोला बारूद या तोपे नहीं थी। मुगलों ने बिना पहिए के तोपखाने या भारी आयुध का मैदान नहीं बनाया, बल्कि कई कस्तूरी को रोजगार दिया। 5. सेना का गठन संपादित करें। राणा प्रताप की अनुमानित 400 भील धनुर्धारियों की सेना प्रमुख पांडवा के सोलन की ठाकुर राणा पूंजा 6 ने 800 मजबूत बैंड की कमान हकीम खान सूर ने अपने अफगानों के साथ दोरिया के भीम सिंह और रामदास राठौर जयमल के पुत्र जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा की के साथ की थी। दक्षिण पंथी लगभग 2,200 मजबूत थे और उनका नेतृत्व ग्वालियर के पूर्व राजा रामशाह तंबर और उनके 3 पुत्रों के साथ मंत्री भामा शाह और उनके भाई ताराचंद ने किया था। अनुमान लगाया जाता है कि लेफ्ट विंग में 4,000 योद्धा थे, जिनमें बिदा झाला और उनके वंशज शामिल थे। प्रताप अपने घोड़े के साथ केंद्र में लगभग 1,300 सैनिकों का नेतृत्व किया। चारण, पुजारी और अन्य नागरिक भी गठन का हिस्सा थे और लड़ाई में भाग लिया। भीम गेंदबाजों को पीछे लाया। मुगलों ने 85 रेखाओं के एक दल को अग्रिम पंक्ति में रखा, जिसका नेतृत्व बरहा के सैयद हाशिम ने किया। उनके बाद मोहरा था, जिसमें जगन्नाथ के नेतृत्व वाले कछवा राजपूतों के पूरब और बख्शी अली आसफ खान के नेतृत्व वाले मध्य एशियाई मुगलों का समावेश था। माधो सिंह कछवा के नेतृत्व में एक बड़ा अग्रिम रिजर्व आया, जिसके बाद मान सिंह खुद केंद्र के साथ थे। मुगल वामपंथी विंग की कमान बदख्शां के मुल्ला गाजी खान, जिसे बाद में गाजी खान के नाम से जाना जाता था, और सांभर के राव लोनकर ने संभाली थी और इसमें फतेहपुर सीकरी के शेखजादों सलीम चिश्ती के रिश्तेदारों को शामिल किया था। साम्राज्यवादी ताकतों का सबसे मजबूत घटक निर्णायक दक्षिणपंथी में तैनात था, जिसमें बरहा के सैयद शामिल थे। अंत में मुख्य सेना के पीछे मेहर खां के पीछे का पहरा अच्छी तरह से खड़ा था। युद्ध संपादित करें। दोनों सेनाओं के बीच असमानता के कारण राणा ने मुगलों पर एक पूर्ण ललाट हमला करने का विकल्प चुना, जिससे उनके बहुत से लोग मारे गए। हताश प्रभारी ने शुरू में लाभांश का भुगतान किया। हकीम खान सूर और रामदास राठौर मुगल झड़पों के माध्यम से भाग गए और मोहरा पर गिर गए, जबकि रामसार तोमवर और भामा शाह ने मुगल वामपंथी पर कहर बरपाया, जो भागने के लिए मजबूर थे। उन्होंने अपने दक्षिण पंथियों की शरण ली, जिस पर बिदा झल्ला का भी भारी दबाव था। मुल्ला काजी खान और फतेहपुरी शेखजादों के कप्तान दोनों घायल हो गए, लेकिन सैयद बरहा ने मजबूती से काम किया और माधो सिंह के अग्रिम भंडार के लिए पर्याप्त समय अर्जित किया। मुगल वामपंथी को हटाने के बाद राम शाह तोमवर ने प्रताप से जुड़ने के लिए खुद को केंद्र की ओर बढ़ाया। वह जगन्नाथ कछवा द्वारा मारे जाने तक वह प्रताप को सफलतापूर्वक बचाए रखने में सक्षम थे। जल्द ही मुगल वैन, जो बुरी तरह से दबाया जा रहा था, माधो सिंह के आगमन से उबर गया था, जो वामपंथी दलों के तत्वों ने बरामद की थी और सामने से सैयद हाशिम के झड़पों के अवशेष थे। इस बीच दोनों केंद्र आपस में भिड़ गए थे और मेवाड़ी प्रभारी की गति बढ़ने के कारण लड़ाई और अधिक पारंपरिक हो गई थी। राणा सीधे तौर पर मान सिंह से मिलने में असमर्थ थे और उन्हें माधो सिंह कछवाह के खिलाफ खड़ा किया गया था। दोड़िया कबीले के नेता भीम सिंह ने मुगल हाथी पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु अपनी जान गंवा बैठे। 7. गतिरोध को तोड़ने और गति को प्राप्त करने के लिए महाराणा ने अपने पुरस्कार हाथी लोना को मैदान में लाने का आदेश दिया। मान सिंह के जवाबी हमला के लिए गजमुक्ता हाथियों के बीच मोती को भेजा, ताकि लोना का सिर काट दिया जा सके। मैदान पर मौजूद लोगों को चारों ओर फेंक दिया गया, क्योंकि दो पहाड़ जैसे जानवर आपस में भिड़ गए थे।
जब उसके महावत को गोली लगने से जख्मी हुआ तो लोना को ऊपरी हाथ दिखाई दिया और उसे वापस जाना पड़ा। अकबर के दरबार में स्तुति करने वाले स्थिर और एक जानवर के मुखिया राम प्रसाद के नाम से एक और हाथी को लोना को बदलने के लिए भेज दिया गया। दो शाही हाथी गजराज और रणदार घायल गजमुक्ता को राहत देने के लिए भेजे गए और उन्होंने राम प्रसाद पर आरोप लगाए। राम प्रसाद का महावत भी घायल हो गया था इस बार एक तीर से और वह अपने माउंट से गिर गया। हुसैन खान मुगल फौजदार राम प्रसाद पर अपने ही हाथी से छलांग लगाते हैं और दुश्मन जानवर को मुगल पुरस्कार देते हैं। 8 अपने युद्ध के हाथियों के नुकसान के साथ मुगल मेवाड़ियों पर तीन तरफ से दबाने में सक्षम रहे और जल्द ही राजपूत नेता एक एक करके गिरने लगे। लड़ाई का ज्वार अब मुगलों की ओर झुकने लगा और राणा प्रताप ने जल्द ही खुद को तीर और भाले से घायल पाया। यह महसूस करते हुए कि अब हार निश्चित है, बिदा झल्ला ने अपने सेनापति से शाही छत्र जब्त कर लिया और खुद को राणा होने का दावा करते हुए मैदान में टिके रहे। उनके बलिदान के कारण घायल प्रताप और करीब 1800 राजपूत युद्ध भूमि से भागने में सफल रहे। 9 राजपूतों की वीरता और पहाड़ियों में घात के डर का मतलब था कि मुगलों ने पीछा नहीं छोड़ा और इस कारण प्रताप सिंह को पर्वतों पर छिपने का मौका मिल गया। 10 रामदास राठौर 3 घंटे की लड़ाई के बाद मैदान पर मारे गए लोगों में से एक थे। राम शाह तोवर के 3 बेटे सलिवाहन बहन और प्रताप तोवर उनके पिता की मृत्यु में शामिल हो गए। 11 मेवाड़ी सेना के लगभग 600 सैनिकों की मृत्यु हो गई, जबकि मुगल सेना के करीब 50,000 सिपाही मारे गए और 3,500 घायल हुए। TFN एक सरकार के अनुसार आम तौर पर स्वीकार किए गए गणना के अनुसार घायल हुए लोगों की संख्या 3 गुना थी। मारे गए मेवाड़ की सेना ने उस दिन हताहतों की संख्या को अपनी कुल ताकत के 46% तक सीमित कर दिया। यह मानते हुए कि यहाँ की कुल ताकत 20,000 है, 46% 1,564 का आंकड़ा देगा जो 16,000 तक हो गया है। 12 दोनों तरफ राजपूत सैनिक थे। उग्र संघर्ष में एक स्तर पर बदायूंनी ने आसफ खान से पूछा कि मैत्रीपूर्ण और दुश्मन राजपूतों के बीच अंतर कैसे किया जाए। आसफ खान ने जवाब दिया, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिस तरफ भी वे मारे जा सकते हैं उसे गोली मार दें, यह इस्लाम के लिए एक लाभ होगा। 13-14 के इस लाल ने इस उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि मध्ययुगीन भारत में अपने मुस्लिम आकाओं के लिए सैनिकों के रूप में हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए। 15 संदर्भ संपादित करें।